ओम नमः शिवाय। आज बड़ा ही विचित्र केस मेरे पास आया है। इसमें पूरे परिवार के ऊपर काला जादू किया हुआ है। परिवार का ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जिस पर कि काला जादू ना किया गया हो। हर कोई रोग से ग्रस्त है और रोग भी छोटे मोटे नहीं, बड़े ही भयानक रोगों से घिरे हुए हैं ये। और जब इन्होंने मुझे कॉल किया तो ये देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि कोई तंत्र शास्त्री, कोई तंत्र का ज्ञाता इतने दुष्कर्म भी कर सकता है। अगर आपके पास वो सिद्धियां हैं, अगर आपके पास वो ज्ञान है, तो वो जन कल्याण के लिए उसका उपयोग कीजिए, ना कि किसी को त्रासदी देने के लिए। तो जो भी ऐसा काम करते हैं, ये तंत्र शास्त्र में वर्जित है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं, ये देखने में आया है। तो अगर आपके पास भी आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ इसमें आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या फिर आप ऐसा फील करते हो, थोड़ा भारीपन सा आपके अंदर रहता हो, कोई बीमारी लग जाए, लाइलाज बीमारी हो, डॉक्टर को समझ में ना आ रही हो, तो थोड़ा सा इस तरफ भी आपको सोचना चाहिए, ब्लैक मैजिक की तरफ। ये कोई आडंबर नहीं है, लेकिन ये भी सब कुछ जो आप समझ नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो होता नहीं है। सारी चीज़ें इस दुनिया में हैं, बस बात इतनी सी है कि आपको उसका ज्ञान नहीं है। अब हम जो हैं वो उसी पर विश्वास करते हैं जो हम देख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ दिखती नहीं है हम उस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया है समझने में कि ये सारी चीज़ें वास्तव में होती हैं। और मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, इसलिए जिस किसी को भी कोई दिक्कत हो वो एक बार ज़रूर परामर्श ले। तो आज जो पर्टिकुलर केस मेरे पास आया है, इसमें घर का हर सदस्य बीमार है, तो इसे क्या आप एक संयोग कहेंगे? ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक को बड़ी से बड़ी बीमारी लग जाए। आप सोचिए, एक को हो जाएगा, दो को हो जाएगा, लेकिन जब पूरा परिवार ही रोगग्रस्त हो तो आप क्या कहेंगे? तो ऐसे में पूरी शंका होती है कि आपके ऊपर काला जादू किया हुआ है। ये तंत्र क्रियाएं होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन सटीक काम करती हैं। आदमी गोली से बच सकता है लेकिन तंत्र से नहीं। तो कांटेक्ट कीजिएगा मेरे नंबर पर 999-284-1625। जैसे भी यथासंभव मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ वो मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। तो वो मम्मी का 80-90 लाख रुपया गहना सब ले गई है निकाल के धोखे से। अब वो चीज मेरी मम्मा ने बताई नहीं थी हमें, तो अब वो डिप्रेशन में इतना चलेगी 2019 के बाद, जब उसने ये बोल दिया कि क्या प्रूफ है, मुझे दिया था, चेक दिए थे, खाली पेपर साइन करके उसने दिए थे, वो भी लेगी साथ में बेस को बना के मम्मी को। अब प्रॉब्लम ये है गुरु जी, अब हमने घर में तो बंद करा दी, थाने भी कम्प्लेन कर दी थी उसने, 12 फेब को हमारे साथ हाथों पाई की थी दिल्ली बुला के। अब प्रॉब्लम ये वो हमारा पीछा नहीं छोड़ी, पीछा कैसे नहीं छोड़ी, वो कहती मैंने जिन और क्या बोल रही थी चमार एंड गोरी तांत्रिक, कहती इन सबकी मैं वो करती हूँ, क्या कहते हैं, ये सब मेरे टच में है, कहती तुम चारों की लाइफ इतनी बर्बाद कर दूंगी ना जो बच्चे हो कि मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठोगे। अब देखो गुरु जी, मैं ले आऊंगी, मेरा भाई ले आऊ, छोटी बहन, मेरा डाइवोर्स भी करा दिया उसने, 2016 में शादी हुई, 4 दिन बाद घर आ गई, 5 साल मेरा केस चला, पर उस टाइम भी इतना परेशान किया। अब वो क्या करती है, घर में तो एंट्री बंद कर दिया, पर हमारी फोटो है और जो बाल कटे हुए हैं, मम्मी कहते मेरे भी 2 बार उसने अपने घर बाल काटे थे, मेरी बहन के भी काट के लेगी, जैसे हम रात में सो होते हैं, अब हमें क्या पता हमारे घर में आके वो ऐसी एक्टिविटी कर रही है, और हमारे अंडर गार्मेंट्स भी ले गए। अब मैं ये चाहती हूँ गुरु जी की वो हम सबसे, वो उसका पति उसकी बेटी, हम सबका पीछा छोड़ दें, इतना कुछ तो बर्बाद हो गया गुरु जी, और कितना हम करेंगे बताओ। आपके ऊपर काला जादू किया हुआ है, आपके घर के ऊपर, हमारे घर के ऊपर, मैं कहती हूँ हम सबको भूल जाए, जैसे होता है इतना कुछ खा रहे गुरु जी, बताओ 80 लाख रुपए मायने रखते हैं ना लाइफ में, सब गहना 1.5 करोड़ का निकाल के ले गए, ज्वाइन करवा लिया था लोग कर, 2019 में आके कहती कि आपका सारा पैसा गया ना, मेरे पास तो है नहीं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड धोखा करके सब लेके भाग गए, मम्मी डिप्रेशन में चल गए, 2019 से न्यूरो का इलाज चल रहा है, अभी इन्फेक्शन होगी पूरी बॉडी में, फिर पाइल्स की प्रॉब्लम, अभी उनकी छाती रिमूव कर दी डॉक्टर ने, कैंसर था उनको, ब्रेस्ट कैंसर, अब उसके बाद कीमो हो गया, पता नहीं कितना अभी जो है, आपका जो पूरा परिवार है उस पर किया गया ताकि सब खत्म हो जाए। हाँ जी गुरु जी, तो अभी सबको कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है,
सबको लगी हुई है गुरु जी। और आप ये सोचो कि हर कोई कहते हैं लंग, देखो एक बीमार होता है गुरु जी समझ आता है, और मम्मी सीनियर सिटीजन है, बट हम तो लंग है, हमें भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है। और बार बार पता है वो क्या बोलती है, इसी घर में मरोगे, इसी घर में मेरे भाई को कहती 90 साल का बुढ़ा होके मरेगा, तेरा वंश भी आगे नहीं बढ़ेगा, गुरु जी मेरा भी लियोनी बंधन करा देता। और मुंह पे आके बोल के जाती है कि मुझे किसी का डर नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कहती आज तक लाइफ में ना ही बिगाड़ पाएगा। वो तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, तंत्र है। किसी को परेशान करने के लिए नहीं होते, लेकिन वो गुस्से में आकर आपसे प्रतिशोध ले रही है। हाँ जी, पर गुरु जी गलत है ना, ऐसे तो हम सबकी जान इतने कष्ट सहन कर ले। गुरु जी हम मानोगे, दो बार माइनर अटैक आ गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था मुझे, जब उसको पता लगता ना हमारा ऐसा बुरा हो रहा है, खुश होती है जी। और हमारे नेबर है ना मोहल्ले वाले, उनसे नंबर रखे, उनसे पूछती रहती है, अच्छा ऐसा हुआ, हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है, मतलब उसको तसल्ली मिल जाती है। गुरु जी आप इतने इतने, उसने बॉयफ्रेंड रखे, मैरिड है, दो बेटी है, बेटी ने अपने रखे हुए हैं, और पति कहता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी चाहे 10 लोगों के साथ रिलेशन बनाए, चाहे मेरी बेटी बनाए, मतलब पति और बेटी भी उसकी माला, मतलब इतना गंदी फैमिली हो गई है। उसके बाद भी गुरु जी पता क्या बोलती है, मम्मी मर जाएंगे लाइफ बर्बाद कर दूंगी, मैं तो एफिडेविट बनाया है कोर्ट में जाके कि इन फ्यूचर मेरे भाई को मुझे परेशान ना करे, क्योंकि मैंने आप ही ह्यूमन राइट्स डिप्लोमा के अब लॉ कर रही हूं। तो गुरुजी जलती इतने जेलस में तंत्र से विद्या ले तो नहीं कहती कि जेलस में किसी का बुरा करो इतना। जी जी, अब सास को भी उसने मरवा दिया था। सारी तरह के लोग होते हैं, तो उसी ने सारा कुछ किया हुआ है। तो गुरु जी उसने तो अपनी सास को भी मरवा दिया, जेठ को भी मरवा दिया, पर वो जब उसको पता लग गया कि ऐसे करके सब मर जाते हैं, और गुरु जी मारती बीमारी से है कि लोग सोचे नेचुरल बीमारी थी, मर गए, मेरे पे कहीं इल्जाम ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि इस चीज को आप कहीं पर भी शो नहीं कर सकते। हाँ गुरु जी, पर गुरु जी इसमें मैं बच्चों, अब मैं देखो गंगा जल छिड़कती हूँ, ठीक है ना। नहीं, देखो आप समझ नहीं रहे, ये जो क्रियाएं होती हैं, जब ये चीज आप पे लग जाती है तो ये चीजें फिर काम नहीं करती, इनके लिए बंधन होता है इनका। अच्छा, पर एक बात बताओ, हमारे ना मम्मी एक इनर है, जो उन मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मेरी मम्मा की आदत है जैसे ना किसी के बारे में बोल देना कुछ भी, फिर बाद में कहती है हाय मैंने बोल दिया। अब मुझे किसी ने बोला कि उनको अपने घर में बुला के ना थोड़ा माफी मुफी करवाओ मम्मी से, हो सकता है कुछ कह दिया, क्योंकि वो तो पहले दुखी होती है गुरु जी, तो से अगर आप उनको परेशान करें, मैं कह चलो मैं उनको बुलाऊंगी, पर किसी की हाय भी नहीं लेनी चाहिए, हाय नहीं लेनी चाहिए गुरु जी। पर मेरी मम्मी, वो दिल्ली वाली मेरी जो सिस्टर थी ना, मेरी मम्मी को मोरा बना के चलती थी सबका बुरा कराने के लिए। अब मैंने पूछा मम्मी से, मम्मी कहाँ कहाँ जाते थे बताओ, कभी कभी बता देते, कहते मैं बहुत मौलवियों के पास गई, बहुत जगह गई हूँ। अच्छा, तुम आप अपने बच्चों के फोटो ले जाके हमारा बुरा कराने के लिए। मम्मी कहती मेरी तो बुद्धि नहीं काम करती थी, मैं दिल्ली वाली लड़की फोन कर देती थी तो ऐसे ऐसे काम करना है, मैं तो जाके बस फोटो देख के आती थी। अब वो क्या करती थी, एक्टिंग करती थी रोन की, ड्रामे करने की। अब मैं गुरु जी अब उसकी चीजों का सब पता लग गया, क्योंकि हमारे घर में से वो ही आती है और कोई नहीं आता, ठीक है। अब वो क्या है, अब पता नहीं, अब वो ये सोचा हुआ है कि बर्बाद, मुझे कहती तुझे कोड होगा, तू मर जाएगी बीमार से, मेरे भाई को कहती तुझे लकवा होगा, मेरी छोटी बहन है उसका तो न्यूरो का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके अकाउंट से साइन करके डायरी 3-3 लाख रुपया ले ली, तुझे मेरे पास डिटेल पड़ी है, मम्मी के अकाउंट से भी ले ली पैसे। अब कुछ करने को हमने उसके रिश्तेदार को बोला कि पहले उसको बोल पैसे कहने का हिसाब दे दे, कहती मैं तो कुछ भी नहीं लेती है बताओ गुरु जी। अब एक मकान है उस पर नजर लगा के बैठी हुई है। कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, हाँ जी, परिवार के सारे सदस्यों की फोटो और नाम भेजो मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे। क्या देखो, फोटो और नाम भेजो सबकी। आप गुरुजी बता दो सर, देखो गुरुजी आप समझ सकते हो मैं बड़ी दुखी परेशान हूँ, आपकी तंत्र विद्या कहती है ना अगर आप दुखी परेशान की हेल्प करोगे तो आपको माता ने ऊपर से जिनकी भी आप पूजा करते हो वो अपने आप फल देती है ना जी। ऐसा मैंने सुना है, नेट पे पढ़ा है मैंने, पर गुरुजी बालों पे हो जाते हैं सच में? मैं जो कह रहा हूँ पहले वो करो, मुझे देखने दो कि हुआ क्या। अच्छा ठीक है, उसके बाद मैं इसका उपाय बताऊंगा कि क्या हो सकता है। गुरुजी पैसों का मत ज्यादा बताना, पता है अभी बहुत कंडीशन खराब चल रही है। पैसे प्यारे हैं या जान प्यारी है? हाँ जी, पैसे प्यारे हैं या जान प्यारी है? जान तो प्यारी है, पर चलो दे मैं भेजती हूँ आपको, लिए व्हाट्सएप नंबर चल रहा है ना आपका जी? ठीक है गुरुजी, ओके ओके।